फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है, आपको टाइटल से पता है चल गया होगा कि हम किस रिलेटेड बात करने वाले। ये मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपको स्पाउस वीसा के रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो जो वर्क वीसा पे हमने बनाया था उसमें दो दो तीन लोगों ने ऐसे लाइक इंस्टाग्राम पे और कमेंट किया था यूट्यूब पे कि नंबर दे, आपका नंबर दीजिए। तो आपको कोई भी क्वेरी से प्लीज आप कमेंट कीजिए, तो हम उसके रिलेटेड आपको आंसर कर पाएंगे जितना हमको पता है। स्पाउस वीसा का जो भी बेसिक प्रोसेस है जो हमने किया है, वो यहाँ पे आज हम आपसे शेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी। एंड द सेकेंड थिंग इज किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। एंड द फोर्थ पॉइंट आपका इंटरव्यू कैसा रहेगा। एंड द फिफ्थ इज आपको कितना टाइम लगेगा इन सब प्रोसेस के लिए। तो ये फाइव टॉपिक्स हमारे हिसाब से हमको लग रहा है कि शेयर करना चाहिए। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है जिसको नीडेड है उनके लिए स्पेशली। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरीके से और भी वीडियोस मेरे देख सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट के कौन एलिजिबल है स्पाउस वीजा को अप्लाई करने के। स्पाउस वीजा मतलब फैमिली रियूनियन वीजा, स्पाउस वीजा इस पे की है। तो अगर आपका एक पार्टनर हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी जर्मनी में हो और आप जो सेकंड पार्टनर है वो एलिजिबल होता है स्पाउस वीजा या फैमिली रियूनियन वीजा को अप्लाई करने के। इसमें आपका अगर बेबी हो या चिल्ड्रन हो वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो या इतना ही एलिजिबिलिटी है, बाकी कोई एलिजिबिलिटी की ज़रूरत है नहीं। कि हाँ, ऐसा भी होना चाहिए। आजकल कुछ रीजंस ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आपका 6 मंथ तक प्रोबेशन चल रहा हो और आपने जॉब स्विच किया जो पार्टनर जर्मनी में है, तो किसी किसी केस में ये भी सुना है कि वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि आपने अभी जॉब स्विच किया, आपका फिर से प्रोबेशन हुआ। तो अगर हो सके तो एक ही जगह रुकिए अगर आपका सेकेंड पार्टनर जो है वो फैमिली रियूनियन वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है। तो वरना तो नॉर्मली आप जैसे ही हो सके, जब जब आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा आप इसको अप्लाई कर सकते। तो अभी सेकंड पॉइंट है अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। तो इसमें नॉर्मली अपॉइंटमेंट वीएफएस में लेना होता है। यूजुअली बॉम्बे के अलावा सभी जगह ईमेल या फिर उनके वेबसाइट के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, पर बॉम्बे में अभी भी शायद ऐसा ही है कि आपको फ़ोन करना पड़ेगा जैसे हमने किया था। फोन करके स्पेसिफिक वीजा कैटेगरी अगर वो लोग पूछे या फिर आपको वेबसाइट में दिखेगा तो आपको स्पाउस वीजा या फिर फैमिली रियूनियन वीजा होगा, तो उसी कैटेगरी का लेना पड़ता है। क्योंकि अगर दूसरा कोई भी कैटेगरी का आप लोगे और फिर उस दिन आप जाओगे तो वो ना बोल देंगे, वो इनवैलिड हो जाता है। तो हाँ, यूजुअली थोड़ा टाइम पहले लेना पड़ता है, 1-2 महीने पहले, क्योंकि स्लॉट्स बहुत कम होते हैं और आजकल कोविड सिचुएशन की वजह से और ज्यादा खराब हो गया। ये थर्ड टॉपिक जो है इंटरव्यू, वो जो मेरे साथ हुआ था, उसमें ऐसा था कि मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया था। उसके बाद उन्होंने जो डेट की दिया था उसमें मैं वहाँ गई थी। बॉम्बे था मेरा सेंटर, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के वहाँ पे आपको डिटेल्स ले लेंगे, तो उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा, आपका काउंटर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको जाना है। उन लोग एक एक कर एक एक डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया जाएगा, और हो सके तो प्लीज 2 कॉपीज रख लो तो काफी अच्छा है। या और फोटोज भी थोड़ा रखना मैरिज सेरेमनी का अलग से। मे भी कभी कभी उन लोगों का मूड के हिसाब से कुछ लोगों से वो लोग मांग लेते, और मैं तो एल्बम भी लेके गई थी और फोटोज भी लेके गई थी। तो ये एक प्रिफरेबल है कि अगर आप लेके जाओ जितना हो सके, आपका मैरिज किस तरीके से हुआ था, क्या था, और सारे डॉक्यूमेंट्स अगर इंग्लिश में हो तो बेटर है। मोस्ट ऑफ अपना जो सिटी लैंग्वेज के लाइक स्टेट लैंग्वेज के हिसाब से वो लोग कंसिडर करते नहीं हैं। एंड दूसरा ये था कि और तो कुछ नहीं, और फिर जस्ट इतना पूछते हैं, थोड़े बहुत डिटेल्स पूछ लेते हैं और मैरिज रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछते, क्योंकि हमारे मैरिज को आई थिंक ऑलमोस्ट सिक्स मंथ कुछ हुआ था
क्योंकि 1 month के 1 या 2 months के बाद ही सूरज चले गए थे, तो उसके लिए वो लोग न्यूली मैरिड को ज्यादा थोड़ा पूछ लेते। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपका शादी को 4 साल हो गया तो नहीं पूछते, उनको ही पूछते। तो ये थोड़े क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ कुछ स्पेशली नहीं पूछा जाता है। एंड बाकी आपको आप उनको क्वेश्चन ये कर सकते हो कि कितना टाइम मुझे लग सकता है, तो उनके ऑलरेडी वेबसाइट में दिया ही है 90 days। उसके अलावा भी वो लोग भी उतना ही बोलेंगे कि 90 days तक आप कांटेक्ट नहीं कीजिएगा। अगर 90 days के बाद भी नहीं मिल रहा है तो आप कांटेक्ट या फिर मेल कर सकते हो, ये चीज उन लोग बोलते हैं। तो इतना ही है इंटरव्यू के रिलेटेड। तो अभी जो लास्ट स्टेज आता है वो कितना टाइम यूजुअली लगा वीजा आने में, जो इंटरव्यू हो गया, एम्बेसी में सब डॉक्यूमेंट्स दे दिए हो, उसके बाद? तो यूजुअली इन लोग ऑलरेडी, जैसे कि भाग्या ने बताया, 90 days बोलते हैं, पर इसके बीच में आ जाता है यूजुअली, 1-2 महीना लगता है। अब कोविड में सिचुएशन अलग हो जाता है, बट प्री कोविड या नॉर्मल टाइम्स में 1 महीने के अंदर आ जाता है यूजुअली लोगों का। और फिर इसमें इसके पहले क्या होता है कि जो स्पाउस है जर्मनी में, उनको सेम एक लेटर आता है, जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग फिर से मांगते हैं। ये बोला जाता है कि एक ऐसा रिक्वेस्ट आया है स्पाउस का, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स हमको फॉरवर्ड कीजिए। तो उसमें यूजुअली सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सैलरी स्लिप, फिर आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, फिर आप जो एडमेंडम का पेपर दिया था वो, और फिर आप कितने टाइम से रह रहे हो, और आपका जो पासपोर्ट, और अगर आपका जो वीज़ा था वो, तो ये सब आपको उनको फॉरवर्ड कर देना होता है। तो इसके बेस पे प्रोसेस वो लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ओके करने के बाद वो लोग वापस इंडियन एम्बेसी में भेजते हैं कि ओके। फिर वहां से आपको ईमेल आता है कि ओके, आपका वीजा जो है वो अप्रूव हो गया है। तो ये जो पूरा टाइम लगता है ये है ऑलमोस्ट 1.5 या 2 months, और इसके लिए वो लोग पहले एक मैक्स टाइम दे देते हैं 90 days, ताकि आप उनको फोन करके या फिर ईमेल करके ये ना पूछे कि क्या हुआ, मेरा स्टेटस क्या है वगैरह। तो जैसे ही आपको ईमेल आता है, उसमें यूजुअली ऑप्शंस ऐसा होता है कि या तो आप आपका पासपोर्ट लेके नियरेस्ट VFS में दे दे, ताकि वो लोग स्टैंपिंग करके वापस आपको भेज सकते हैं, या फिर जो कोविड टाइम पे है वो ब्लू डार्ट के थ्रू था, जैसे आप अपना पासपोर्ट ब्लू डार्ट के थ्रू कुरियर करवा सकते हैं उनको। तो वो लोग फर्स्ट आपको लिंक भेजते हैं, तो आपको उसके लिए पे करना होता है, फिर आपको ब्लू डार्ट की डिलीवरी शेड्यूल होती है। तो ब्लू डर्ट वाले आपका पासपोर्ट ले जाते हैं, और 1 हफ्ते के अंदर वो पासपोर्ट आपको घर पर वापस आ जाता है। तो उसमें आपको मोस्टली 3 to 6 months का वीजा स्टैम्प मिलेगा, जो स्पाउस होगा उनको, फिर उस बेस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आके यूजुअली आपको 3 to 6 months के पहले वो जो 3 months का वीजा है, टेम्पररी वीजा, उसको एक्सटेंड करना होता है। जितना आपके स्पाउस का ब्लू कार्ड होगा या फिर रेजिडेंस परमिट होगा, उसी बेस पे आपको भी यहाँ का जो लॉन्ग टर्म रेसिडेंस वो मिलेगा। सो आपको जैसे कि सूरज ने बताया और मैंने बताया, वो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, वो हेल्पफुल लगा, तो जरूर आप कमेंट्स में बताना। और इसके रिलेटेड आपको कोई और डाउट्स है, और आगे आपको किस तरीके का वीडियो देखना पसंद है, लाइक इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है या कोई ब्लॉग पसंद है जो जर्मनी के रिलेटेड हम लोग बनाते हैं, तो आपको कौन सा पसंद है प्लीज आप मुझे कमेंट्स पे जरूर शेयर करना। क्योंकि मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है कि इंफॉर्मेटिव वीडियो ज्यादा हेल्पफुल है कि यहाँ का लाइफस्टाइल ज्यादा हेल्पफुल है, तो वो आपसे मुझे एक क्वेश्चन था कि आप शेयर करो प्लीज प्लीज, इसका आंसर जरूर देना कमेंट्स पे। एंड तब तक के लिए बाय, आगे कोई अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं।